साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार को सेक्टर 45 स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की गई। बता दें, कोरोना के कारण पिछले 3 वर्षों के बाद ये रथ यात्रा निकाली गई है। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अच्युत हरिदास ने बताया कि फूल, पत्ते और रिबन से सजे लोहे के विशाल रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बैठाकर यह रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से सेक्टर 40 मार्केट, सेक्टर 31 मार्केट, झांडसा, पटेल नगर, अग्रवाल धर्मशाला, गुरुद्वारे रोड होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची। इस संस्था से 27 साल से जुड़ा हूं और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। भगवान की सेवा में मैं मुंबई में आया और मैं तब से, मैं और मेरी वाइफ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेक्चरर, हम यहीं जुड़े हुए हैं। और गुड़गांव का जो नेतृत्व है, मैं और मेरी वाइफ ने यहाँ से शुरू किया। ये भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी अपार कृपा है, प्रभुपाद जी का ब्लेसिंग है कि हमें इस सेवा का मौका मिला। आज सर कहाँ से यात्रा निकली और कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा जो है, जो हमारा नया मंदिर शहर के बीच में है, सेक्टर 45 में, जिसे कि हम श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस्कॉन के गुरुग्राम में 2 टेम्पल हैं, एक बादशाहपुर में है और एक सेक्टर 45 में है। सेक्टर 45 का मंदिर जो है, उससे आज रथ यात्रा शुरू है और हर साल ये कंटिन्यू रहेगी। पिछले 16-17 साल तक जो पहले होती रही थी, कोविड की वजह से बंद हुई। जगन्नाथ को पहचाना जाता है और रथ यात्रा मान्य होती। आज भी कोविड के बाद 100 से ज़्यादा देशों में रथ यात्रा मनाई जा रही है। सिर्फ उसको अभी उसी एक हफ्ते में मनाना है जो कि पुरी के नियमों के हिसाब से। इस रथ यात्रा का संचालन भजनों के साथ किया गया, तो वहीं गुरुकुल वृंदावन से आए बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। लोग तो बहुत जगह के पहुंचे हैं, वृंदावन के, दिल्ली के, एनसीआर के, सारी नोएडा वगैरह के, सब जगह से आए हैं। तो काफ़ी लोग आए हैं और हमारे सीनियर डिवोटीज भी काफ़ी आए हैं और वो सब के सब जो है रथ यात्रा के लिए आए हैं। हाँ, कोविड के चलते ना 2 साल नहीं निकाली गई, अब 3रा साल है। परंपरा नहीं है, ये जगन्नाथ की कृपा है सबके ऊपर कि विग्रह, सारे के सारे विग्रह अपना मंदिर छोड़ के नहीं जाते हैं, पर जगन्नाथ जो हैं वो अपना मंदिर छोड़ के आते हैं। क्योंकि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने नहीं आते, पर वो क्या है, जब भगवान रास्ते पर निकलते हैं तो उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको स्मृति मिलती है, अगला जन्म उसको भक्त का मिलता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो निकाली जा रही है, बेसिकली ये उड़ीसा में निकाली जाती है और इसके पीछे कई सारी पुरानी कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस रथ पे भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव जी के साथ सवार हैं और एक बार उनकी बहन की इच्छा हुई थी नगर को दर्शन करने के लिए, तो अपनी बहन को नगर दिखाने के लिए वो रथ पर सवार होकर नगर की तरफ रवाना हुए। जबकि पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव होता है और उस दिन उनको रतन सिंह जड़ी सिंहासन पर बिठाकर बाहर मंडप पर लाया जाता है कि सभी लोग जो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते वो भी उनका दर्शन कर पाएं। इस रथ यात्रा में महिलाओं और बच्चों के साथ हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को क्रेन के माध्यम से दिया गया 56 भोग मुख्य आकर्षण रहा। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।